हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लॉस्ट स्प्रिंग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और याद भी करेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस आंसर को बड़ी आसानी से आपको याद करा दूंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन है आपका वाई। वाई मीन्स मतलब होता है क्यों, और शुड हो गई हेल्पिंग मदर्स का मतलब होता है चाहिए, जो चाइल्ड लेबर मतलब होता है बाल श्रम, और बी मतलब होता है होना, और एलिमिनेटेड मतलब होता है समाप्त या खत्म होता है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो चाइल्ड लेबर है ना उसको क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेटेड मतलब होता है समाप्त कर देना चाहिए। तो बाय मतलब हो रहा है क्यों कर देना चाहिए। क्या हो गया क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जो चाइल्ड लेबर है उसको क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेटेड मतलब उसको समाप्त या खत्म कर देना चाहिए। तो बाय मतलब क्या होता है क्यों, तो चाइल्ड लेबर को क्यों खत्म कर देना चाहिए, इसका हमको कारण बताना है। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है हाउ मतलब कैसे, इस चाइल्ड लेबर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका हमको तरीका भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में कितने पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन है, एक बाय का और एक हाउ का। बाय में बताते हैं रीजन बताते हैं, और हाउ में तरीका बताते हैं, तो खत्म करने का या समाप्त करने का तरीका भी बताना है। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो बाय का आंसर किससे देते हैं, बिकॉज से। बिकॉज मतलब क्या हो गया, क्योंकि, क्यों खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इट मतलब यह है, मतलब चाइल्ड लेबर प्रोनाउंस आ गया है। तो टैक्स मतलब होता है छीन लेता है, यह चाइल्ड लेबर क्या करता है, टैक्स मतलब छीन लेता है, क्या छीन लेता है, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन को छीन लेता है, और क्या छीन लेता है, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावना को, और किस चीज की संभावना को, ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की संभावना को छीन लेता है। तो ये चाइल्ड लेबर यहां पर देखे कितनी चीजें छीन रहा है, दो चीजें छीनने को क्या बोलते हैं, टैक्स अवे मतलब छीन लेता है, कितनी चीजें छीन रहा है, दो, क्या छीन लेता है, चाइल्डहुड मतलब बचपन छीन लेता है, और प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना छीन लेता है, काहे की ऑफ एजुकेशन की संभावना छीन लेता है, और कहां किससे छीन लेता है, फ्रॉम मतलब से, काय से, चाइल्ड मतलब बच्चों से छीन लेता है। एक स्टेप हो गई। पहली स्टेप में क्या लिखा है, इट मतलब यह जो चाइल्ड लेबल है ना वो क्या कर रहा है, टैक्स अवे, टैक्स मतलब छीन लेता है। अब ये क्या छीन रहा है, दो चीजें छीन रहा है, कौन कौन सी दो चीजें छीन लेता है, चाइल्डहुड मतलब बचपन छीन लेता है, और क्या छीन लेता है, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, और काय की संभावना, ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा की, यह क्या छीन लेता है, संभावना छीन लेता है, या लिख सकते हैं प्रोस्पेक्ट एजुकेशन भी लिख सकते हैं, शिक्षा की संभावना छीन लेता है, किससे छीन लेता है, फ्रॉम द चाइल्ड मतलब बच्चों से छीन लेता है, कितना आसान है। चलिए तो दूसरी स्टेप में देखते हैं क्या लिखा है। अब बच्चे क्या है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो चिल्ड्रन जो है ना वो क्या करने लगते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं मतलब काम करने लगते हैं, और कब काम करने लगते हैं, एट टेंडर एज, मतलब टेंडर मतलब होता है मुलायम या नरम होता है, एज मतलब क्या हो गया, उम्र हो गया, इसलिए उनके इसका कहने का तात्पर्य हो गया, एट टेंडर एज मतलब मुलायम या कच्ची उम्र, या बोल सकते हैं कम उम्र में वो काम करने लगते हैं। तो क्या हो गया, जो चिल्ड्रन है वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड बन जाते हैं मतलब मजदूर बन जाते हैं, काम करने लगते हैं, कौन सी उम्र में काम करने लगते हैं, एट टेंडर एज, कौन सी उम्र में, टेंडर एज में करने लगते हैं, कम उम्र में काम करने लगते हैं। अब वो काम जो करते हैं वो काय के रूप में करते हैं, एज मतलब के रूप में, काय के रूप में करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब होता है घरेलू नौकर बन जाते हैं वो बच्चे, या फिर वो क्या हो जाते हैं, डिस वॉशर्स मतलब होता है धोने वाले, तो क्या धोने वाले बन जाते हैं, डिस वॉशर का मतलब यहां पर है बर्तन धोने वाले बन जाते हैं, या फिर वो क्या करने लगते हैं, हजार्ड्स मतलब होता है खतरे, इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग होता है, जो खतरे वाले उद्योगों में काम करने लगते हैं, कौन से एग्जाम्पल लेके हैं उद्योगों के, ग्लास बैंगल्स है, और कौन सी है, सिगरेट फैक्ट्री है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे क्रेकर फैक्ट्री है, आप इनको लिख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप देखें जो बच्चे हैं ना वो क्या बन रहे हैं, पढ़ लिख नहीं पाए हैं, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयड बन गए मतलब मजदूर बन गए, और कौन सी उम्र बन जाते हैं, एट टेंडर एज में बन जाते हैं, कौन सी उम्र बन जाते हैं, एट टेंडर एज मतलब कम उम्र में बन जाते हैं। अब बस आपको क्या करना है, जो वो काम करते हैं उनके नाम लिखना है, क्या क्या बन जाते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाते हैं, घरेलू नौकर बन जाते हैं, या कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, डिस वॉशर्स मतलब होते हैं बर्तन धोने वाले बन जाते हैं, या उनको वहां काम नहीं मिल रहा तो क्या करने लगते हैं, हजार्स इंडस्ट्री मतलब जो हानिकारक इंडस्ट्री है उनमें वो काम करने लगते हैं। अब इंडस्ट्री के एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, सिगरेट फैक्ट्री है, या
क्रेकर्स फैक्ट्री भी यहाँ पर हम उनको उल्लेख कर सकते हैं। इन फैक्ट्रियों में बच्चे काम करने लगते हैं, तो काम करने से क्या होता है, जो लॉस हो जाता है वो खो देते हैं। क्या खो देते हैं? द चार मतलब आकर्षण, काय का? ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का आकर्षण, कहने का तात्पर्य वो बसंत ऋतु की खुशियों को खो देते हैं। और कहाँ से? ऑफ देयर लाइफ मतलब उनके जीवन में से वो उनकी वो खुशियाँ खो देते हैं, क्योंकि वो काम करने लगे हैं। तो ये हो गया आपका वाय का आंसर हो गया सो मतलब इसलिए। चाइल्ड लेवल को क्या होना चाहिए, क्या कर देना चाहिए? शुड बी एलिमिनेटेड मतलब खत्म कर देना या समाप्त कर देना चाहिए। तो इस वाय के आंसर में कितनी चीजें बताई गई हैं? दो चीजें बताई गई हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है, ये छीन लेता है, छीनने को क्या बोलते हैं? टैक्स अवे बोलते हैं। क्या छीन लेता है? दो चीजें। तो आपको याद होंगी कौन सी? चाइल्डहुड छीन लेता है, बचपन छीन लेता है, और क्या छीन लेता है? प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावना, काय की? एजुकेशन की संभावना छीन लेता है। और कौन सा छीन लेता है उसका नाम लिख दो, किससे छीन लेता है? फ्रॉम द चाइल्ड से छीन लेता है। अब बच्चे देखो पढ़ लिख तो है नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करने लगते हैं? चिल्ड्रन एम्प्लॉयड मतलब मजदूर या काम करने लगते हैं। और कहाँ काम करने लगते हैं? एट द टेंडर एज में, कौन सी उम्र में करने लगते हैं? एट टेंडर एज मतलब क्या होता है, कम उम्र में बच्चे काम करने लगते हैं। और जो काम कर रहे हैं, काय को काम बताया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं? डोमेस्टिक सर्वेंट बनकर काम करने लगते हैं, या फिर वो डिश वॉशर मतलब बर्तन धोने वाले बन जाते हैं। या काम के नाम लिखना है ना, चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट द टेंडर एज हो गया भाई, बच्चे जो है कम उम्र में काम करने लगते हैं। काय के रूप में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाते हैं, या डिश वॉशर बन जाते हैं, या हजार्स इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं। तीन बताए गए हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाते हैं, या डिश वॉशर बन जाते हैं, या हजार्स इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं। इंडस्ट्री के एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइक ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, सिगरेट फैक्ट्री है, या लिख सकते हैं क्रैकर्स फैक्ट्री है। इन फैक्ट्रियों में काम करने से वो क्या कर देते हैं? लॉस मतलब खो देते हैं। क्या खो देते हैं? द चार मतलब खुशियों को खो देते हैं, काय की? ऑफ स्प्रिंग बसंत की खुशियों को खो देते हैं। और कहां से? ऑफ देयर लाइफ उनके जीवन से खुशियों का अंत हो जाता है। इसलिए सो मतलब क्या हो गया, इसलिए चाइल्ड लेबर को क्या कर देना चाहिए? एलिमिनेटेड मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए। ये हमारा वाय का आंसर हो गया। अब चलिए हम काय का आंसर देते हैं, हाउ का आंसर देते हैं, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने के उपाय में तीन उपाय बताना है आपको, पूरा नहीं देखना, बस ये सोचना है कि इसमें कितने उपाय बताए गए हैं। तीन उपाय बताए गए हैं। एक बताया गया है गवर्नमेंट को कानून लगा देना चाहिए, दूसरा अपन को पेरेंट्स को सलाह देने की भाई बच्चों से काम नहीं कराना है, और तीसरी की क्या करना है, पब्लिक को भी क्या करना है, अवेयर करना है कि उन बच्चों से काम ना कराया जाए। तो यहाँ पर कितनी स्टेप बतानी है? तीन बतानी, एक गवर्नमेंट वाली बतानी है, एक पेरेंट्स वाली बतानी है, और एक किसकी बतानी है, पब्लिक वाली बतानी। चलिए तो हाउ का आंसर देखते हैं। तो हाउ के आंसर में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, और काय के लिए, एलिमिनेट मतलब होता है खत्म या समाप्त करने के लिए। क्या खत्म समाप्त करने के लिए? दिस प्रॉब्लम इस समस्या को खत्म या समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट को शुड मतलब चाहिए, इनेक्ट मतलब लागू कर देना चाहिए, किसको लागू कर देना चाहिए, द लॉ मतलब कानून को लागू कर देना चाहिए, मगर कैसे लागू करना है, फेथफुली, कैसे करना है, फेथफुली तरीके से इसको लागू करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून तो लागू कर दिया, उस पर क्या करना है, अमल भी करना है, इसलिए फेथफुली वर्ड वहां पर लिख दिया गया है। तो पहला क्या हो गया, तरीका हो गया उसको खत्म करने का, जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, क्या कर देना चाहिए, इन एक्ट मतलब लागू कर देना चाहिए, किस चीज को लागू कर देना चाहिए, लॉ मतलब कानून को, और कैसे, फेथफुली तरीके से उसको लागू कर देना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो अब क्या है दूसरा तरीका इसको खत्म करने का, क्या है, जो पेरेंट्स हैं शुड बी मेड अवेयर, तो क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। क्या लिखा है, पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर, तो जो पेरेंट हैं जो बच्चों के, उनको भी क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। और काय से अवेयर करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणामों से, और काय के, ऑफ वर्किंग मतलब काम करने के परिणामों से उनको अवेयर करना पड़ेगा। वो काम कहां करेंगे, हार्मफुल मतलब हानिकारक एनवायरमेंट में, जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो हानिकारक फैक्ट्री है, जैसे क्रेकर्स वाली हुई, बैंगल्स वाली हुई, तो वहां पर जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हार्मफुल एनवायरमेंट हो गया। तो हार्मफुल एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम है ना, उससे अवगत कराना पड़ेगा पेरेंट्स को, इस तरह से हम रोक सकते हैं। तो क्या लिखा है, जो पेरेंट्स हैं शुड बी मेड अवेयर, पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, किसके प्रति, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणामों के प्रति, काय के परिणाम, वर्किंग मतलब काम करने का जो परिणाम निकलेगा, और वो बच्चे कहां काम कर रहे हैं, इन हार्मफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, इसका परिणाम भी उनको अवेयर करना पड़ेगा। दो तरीके हो गए। और तीसरा क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो
इंपॉर्टेंट, ये और भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? टू मेक द पब्लिक अवेयर। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा। किस बात से पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा? दैट मतलब कि जो चाइल्ड लेबर है ना, वो क्या है? इज अ क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब एक अपराध है। इसलिए पब्लिक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए। तो हाउ के आंसर में कितने शब्द लिखे हैं? तीन लिखे हैं। पहला कौन सा था? गवर्नमेंट को शुड मतलब चाहिए, इनएक्ट मतलब लागू कर देना चाहिए, और क्या लागू कर देना चाहिए? लॉ मतलब एक कानून लागू कर देना चाहिए, और कैसे कर देना चाहिए? फेथफुली। तो गवर्नमेंट वाला हो गया। अब दूसरा क्या जाएगा? पेरेंट्स वाला जाएगा। तो पेरेंट्स को भी क्या करना है? अवेयर करना है। तो क्या लिखा है? पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर। तो क्या कर देना चाहिए उनको? अवेयर कर देना चाहिए, जागरूक कर देना चाहिए। और किसके प्रति जागरूक बनाना है उनको? कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणामों के प्रति। काय के परिणामों के प्रति? ऑफ वर्किंग मतलब काम के परिणाम के प्रति। और कहां कर रहे हैं बच्चे? वो हार्मफुल एनवायरमेंट में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उसका जो परिणाम निकलेगा उसके प्रति हमको क्या करना है? पेरेंट को अवेयर करना है। और तीसरा क्या है? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? टू मेक द पब्लिक अवेयर। क्या लिखा है? टू मेक द पब्लिक अवेयर। पब्लिक को भी क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा। किसके प्रति अवेयर करना पड़ेगा? दैट मतलब कि जो चाइल्ड लेबर है ना, वो क्या है? इज अ क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब एक अपराध है। तो इस प्रकार से ये दोनों के हमने आंसर दे दिए हैं। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। एक बार और देखें वीडियो को। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, बाय के आंसर में दो चीजें बताई गई हैं और हाउ के आंसर में तीन चीजें बताई गई हैं।